मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोनू कल्याणी कैलाश विजयवर्गीय के करीबी थे। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दो लोग मोनू को गोली मारकर फरार हो गए, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक मोनू कल्याणी को गोली एमजी रोड थाना क्षेत्र के चिमनबाग इलाके में मारी गई। गोली मारने वालों की पहचान पीयूष और अर्जुन के तौर पर हुई है। मोनू कल्याणी को गोली लगने के बाद उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। मोनू कल्याणी भगवा यात्रा की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान दोनों आरोपी बाइक पर बैठकर वहां आ गए और मोनू से कुछ बात करने लगे। बताया जा रहा है कि अचानक उनकी बात बहस में बदल गई और बाइक के पीछे बैठे अर्जुन ने पिस्तौल निकालकर मोनू पर गोली चला दी। इसके बाद दोनों आरोपी तुरंत वहां से फरार हो गए। फरार होने के दौरान अर्जुन और पीयूष ने मोनू के दोस्तों पर भी गोली चलाई, लेकिन वे बच गए। मोनू कल्याणी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष थे। वो कैलाश विजयवर्गीय के बेहद करीबी माने जाते थे। उन्होंने उनके लिए गोलू शुक्ला के लिए चुनावों में काम भी किया था। मोनू हर साल भगवा यात्रा निकालते थे। इस साल भी वो इस यात्रा को निकालने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। मोनू के परिवार में उनकी पत्नी, दो बच्चे, बड़ा भाई और माता पिता हैं। घटना के बाद सही इलाके में तनाव बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बताया शनिवार रात को घटना उस वक्त हुई जब मोनू भगवा यात्रा के लिए जगह जगह पोस्टर लगवा रहे थे। इसी दौरान दोनों बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचे और मोनू से बात करने लगे। इस बीच बाइक पर पीछे बैठे अर्जुन ने पिस्तौल निकालकर मोनू पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पीयूष और अर्जुन को इस मामले में नामजद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी मिलने पर कैलाश विजयवर्गीय भी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। रात में 2 बजे एक सूचना मिली थी कि मोनू कल्याणी, जो चिमनबाग के पास में उषा फाटक के पास में रहते हैं, वो जब एक यात्रा का झंडे लगा रहे थे तो दो उनके जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं वो लोग आए और उनसे पूछा कि हम भी यात्रा में शामिल होंगे। क्योंकि एक ही मोहल्ले के थे, पहचानते भी एक ही समाज के लोग हैं, तो उनको बोला ठीक है। जब इस बात को लेकर नंबर एक्सचेंज जब वो करने लगे तो नंबर एक्सचेंज करते समय उन्होंने पिस्टल निकाल के उसको गोली मार दी। दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए हैं और उनके तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ उनकी संबंधी रिश्तेदार रहते हैं, जो भी हम टेक्निकल उपयोग कर रहे हैं वो भी करते हैं। टीमें रवाना उज्जैन, देवास, भोपाल गई हैं और जहाँ जहाँ परिजन रहते हैं वहाँ टीमें भेज दी गई हैं।